उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कोतवाली क्षेत्र गजरोला के नेशनल हाईवे 24 के किनारे स्थित यूएस फूड फैक्ट्री के सामने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र गजरोला के नेशनल हाईवे 24 के किनारे यूएस फूड फैक्ट्री के सामने का है, जहां पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने आकर बनी हुई कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। प्रॉपर्टी स्वामी सोमवीर सिंह ने बताया कि बिना नोटिस दिए और बिना अवगत कराए ही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की टीम ने यहां पहुंचकर कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, जिसकी हमें जानकारी भी नहीं थी। और प्रॉपर्टी स्वामी ने कहा कि हमारे पास कॉलोनी से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसके बारे में हमने अधिकारियों को बताना भी चाहा, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और बनी हुई कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जिसमें लगभग 20 लाख का नुकसान होने की संभावना है। और प्रॉपर्टी स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कॉलोनी में सेना में कार्यरत अफसरों के भी प्लॉट हैं, और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जिन प्लॉट वालों का नुकसान हुआ है उस नुकसान की हम भरपाई करेंगे। हाँ सोमवीर जी, जो ये अभी एमडीए के साइड से जो भी बुलडोजर चलाया है, जेसीबी चली है, ये किस कारण से चली है, क्या कारण था? मुरादाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आता है जी, भूलवश क्योंकि हमारी जमीन नगर पालिका से बाहर है और तिगरिया खादर गाँव की जमीन है, जो कि ग्राम प्रधान की एनओसी पे ही यहाँ पर घर बना सकते हैं। वो जल्दबाजी में हमारा नुकसान कर रहे, हम उनको जो भी साक्ष्य हमारे पास प्रस्तुत करेंगे, कानून जो औपचारिकता है पूरी करेंगे। अच्छा, जो एमडीओ को जो साक्ष्य आप प्रोवाइड कराओगे वो जेन्युइन है? उन्होंने इस तरह का ये जो तोड़ फोड़ की है, जैसी भी चलाई है, वो क्यों चलाई है? वो बहुत जल्दीबाजी में थे, किसी की शिकायत थी लोकल आदमी की, उसकी शिकायत की वजह से उन्होंने हमारा जल्दीबाजी में हमारी एक मशीन पी एस सी थी होस्टिपुर, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी अन्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई ना हो। सूझबूझ का एनडीए के अधिकारियों को भेजा देना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, और जो भी कागजों में मान लीजिए अप्रूवल में कोई कमी है तो उनको बुलवा के मीटिंग करनी चाहिए, सबको ये बेहतर होगा गजरोला की जनता के लिए भी और गजरोला के विकास के लिए भी। अच्छा, जो ये प्लॉटिंग हुई है, जिन लोगों ने ये प्लॉट लिया हुआ है, उनको किसी तरह का नुकसान? हाँ, जिन लोगों ने प्लॉट खरीदे थे, वो इसमें 10 फौजी भी हैं जो भारतीय सेना में जवान हैं, उनकी नींव वगैरह तोड़ गए हैं, उनका भी आर्थिक नुकसान हुआ उनको, लेकिन उनकी भरपाई हम करेंगे, हम उनको करेंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि जो जैसी भी चलाई है एमडीए ने, जिस तरह का नुकसान हुआ है यहाँ पर जो लोगों का, उसकी भरपाई आप खुद करेंगे? हाँ, उसकी भरपाई हम करेंगे। हम चाहते हैं हमारे जो भी ग्राहक जो हमारे सेट करते हैं उसको किसी भी तरह का हमेशा फायदा मिलेगा, 80% माल बच गया, 20% बचा हुआ, जो हम बेच रहे हैं, हमारा काम तो पूरा हो गया है। रिपोर्ट फारूक अली, PGNI न्यूज ब्यूरो जनपद अमरोहा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।